नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर नरेंद्र नगर के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। कोरोना महामारी के चलते इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। शिव भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे और शिव का जलाभिषेक किया। आज सोमवार का दिन है, सारी श्रद्धालु लोग मंदिर जा रहे हैं, दूध दही गंगा जल लेके और वहाँ पे सब लोग शिव जी के आराधना कर रहे हैं, उसके अभिषेक कर रहे हैं। कृपा करो भगवान, हमारे परिवार को इस कोरोना से मुक्त करो, सुखी रखे भगवान हमारे सारे परिवार। महत्व ये होता है कि भोलेनाथ जी सब पे कृपा रखे अपनी और सुहागने, यदि भाई भगवान जी को जल चढ़ाए तो शुभ माना जाता है और भगवान अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत रखती हैं महिलाएं, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। जो है इस समय श्रावण में विशेष उनकी पूजा की जाती है भगवान शिव की, और शिव भगवान शिव की पूजा जो है गृहस्थियों के लिए विशेष करके कल्याणकारक। वैसे साधु संन्यासी भगवान शिव ऐसे देवता है जिनको सब पूजते हैं, देवता हो गए, मनुष्य हो गए, ऋषि हो गए, असुर हो गए, और गृहस्थियों के लिए संन्यासियों के लिए सभी पूजते हैं और भगवान शिव सब कुछ देने में समर्थ हैं। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या, गंगा जल और उत्तराखंड के सिद्ध पीठों की मिट्टी भेजने का फैसला लिया है। हर की पैड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना के बाद गंगा जल कलश में भरा गया, साथ ही एक कलश में गंगा रेत भी भरी गई, जिसे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहुंचाएगी। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी परमानंद महाराज आदि मौजूद रहे। राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम जैसे सबको लेके चलते थे, वैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज मिलकर इस देश का काम कर रहे हैं। वर्षों से पहले संघर्ष होते रहे, लेकिन हमारे समय पर भी बहुत संघर्ष हुए। अभी जैसा तीर्थ क्षेत्र ने अपना कार्यक्रम घोषित किया था सब संतों से परामर्श के बाद, ये भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर है और जितने भी देवभूमि यहाँ पर है, पुण्य भूमि यहाँ है, सभी की रज और जल लेकर हम लोग उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचाएंगे और राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास के जो स्थान था उस द्वीप में सभी पुण्य भूमि की रज और जल से पूजन आरंभ होगा, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहां दिखाई पड़े। कोरोना काल में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री महंत विनोद गिरी हरिद्वार में लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं। विनोद गिरी महाराज ने बताया कि संतों के मार्गदर्शन से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और संतों के सानिध्य में ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। कोरोना काल के समय हम पका हुआ भोजन भंडारे के रूप में और कच्चा राशन गरीबों को घर घर जाकर लगातार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के समय में झोपड़ियों के लिए पन्नी और छाता आदि भी दिया गया है। देखिए कार्य तो क्या है, ये तो समाज का तेरा चुन तेरा पुन, हमारा तो कुछ है नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लाके मेरा, समाज ने मेरे को दिया, मैं समाज के अंदर बांट रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और दान तो उन दानियों का है जिन्होंने दिया है, मेरी तो केवल सेवा है, ये सेवा का पुण्य परमात्मा मुझे देगा जैसा जो प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन बात यह है कि मैं रखता नहीं, ये जब से कोरोना चालू हुआ था, हमारे देश में कोरोना का जब प्रथम केस आया था और जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसी दिन से हमने जो ये चालू किया था। 3 जगह चलता है मेरा ये लंगर, एक जगह तो चाय पकौड़ा चलता है, वो जो ने वो मंगते भिखारी कंगले वगैरह हर की पौड़ी वहाँ पर उस साइड में वो मेरी चेली है गंगागिरी वो चलाती है, यहाँ पर भोजन बना करके न और फिर प्लस दक्षिणा देते हैं हफ्ते में 2 दिन। हरिद्वार में डेंगू से एक व्यापारी की मौत के बाद हरिद्वार के व्यापारी में रोष है, तो वहीं कुंभ को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों से भी व्यापारी परेशान है। कांग्रेस ने भी हरिद्वार की शिव मूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा का कहना है कि हरिद्वार में कुंभ निर्माण कार्य काफी समय से चल रहे हैं, जिनकी गति काफी धीमी है। अधिकारियों ने कहा था कि 15 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा और खुदाई का काम बंद हो जाएगा, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी हरिद्वार क्षेत्र में कई जगहों पर गड्ढे हैं, जिससे जल भराव भी हो रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि एक कागज इन्हीं के हाथ का में लगा है, हाथ में हमारे आया है, उसमें यह तय किया गया था मीटिंग के अंदर जिसमें सब ADM वगैरह सब बैठे थे कि 15 जून के बाद कोई भी शहर में खुदाई नहीं होगी किसी भी विभाग द्वारा, और आज जो है 1 महीना 13 दिन उससे ऊपर हो गया, आज जुलाई 28 है, तो
और ये तय हुआ था उसमें 15 जून के बाद खुदाई नहीं की जाएगी और 20 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज जो है बरसात के अंदर भी खुदाई हो रही है, लोगों के मकानों में दुकानों में तरेड़े आ रही हैं, लोगों की दीवार गिर रही है, हरकी पौड़ी की दीवार गिर गई है और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है और जगह जगह पानी की लाइन इन खुदाई के कारण टूट रही है। कुंभ के पैसे की बंदरबाट आज जगह जगह देखने को मिल रही है। आज आप देखिए विद्युत विभाग की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही, जो विद्युत विभाग लाइन डाल रही है उस विद्युत विभाग का कुंभ मेले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुंभ मेले का बजट अलग है और विद्युत विभाग का बजट अलग है। जो कुंभ मेले का बजट है उसमें विद्युत विभाग का कहीं उल्लेख नहीं है कि ये जो लाइनें डालने का काम था विद्युत विभाग का अलग से टेंडर हुआ था और ये पहले से कार्य चल रहा था, इस कार्य में कुंभ मेले से कोई लेना देना नहीं है। बागेश्वर में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने स्टेट बैंक तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या करने में तुली हुई है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार को गिराने का निंदनीय काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना ध्यान केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकारों को गिराने में जुटी हुई है उतना अगर कोरोना की लड़ाई में लगाती तो देश जल्द ही महामारी से मुक्त हो जाता। मेरा यह है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वहाँ के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी महामहिम राज्यपाल से कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा बहुमत है और मैं विधानसभा का सत्र बुलाइए, मैं बहुमत हासिल कर रहा हूँ, मैं बहुमत पेश करना चाहता हूँ। लेकिन महामहिम महोदय और इस देश में बैठी जो अंधी बहरी सरकार है वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राजी नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में बारिश का नामोनिशान नहीं दिखा। केवल कपकोट ब्लॉक में लाहौर घाटी में सुबह के वक्त तेज बारिश हुई जिससे सरयू नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं जिला मुख्यालय में बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद सरयू नदी में अचानक बाढ़ आ गई। चूंकि सावन के सोमवार के चलते सरयू गोमती संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में जल पुलिस के जवान अलर्ट हैं। बस मौसम विभाग का भी लगातार अलर्ट आ रहा है, उसमें अभी हमारे पास जो है 28 और 29 को भारी बारिश बागेश्वर जनपद में भारी बारिश बताई गई है। और अभी हमारा जो सिंचाई विभाग से हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें हमारा कपकोट में 20 mm बारिश बताई गई है, और जिससे हमारा नदियों का सरयू और गोमती इनका थोड़ा जलस्तर भी हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो हमने जो नदी किनारे जितने भी लोग रहते हैं उनको और बागनाथ मंदिर में जो हमारी चौकी है उनको अलर्ट में रखा है, जो PM सिस्टम के माध्यम से लोगों को नदी किनारे जाने से रोक रहे हैं। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कालाबन टेगना के ग्रामीणों ने अपने गांव में सड़क सुविधा की मांग को लेकर जिलाधिकारी मंगेश केडियाल से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। ग्रामीणों ने कहा कि 20 साल से वो सड़क की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका गांव सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गांव के काश्तकारों को मुख्य सड़क पर आने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सड़क की मांग पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी से मिले थे, रोड के संबंध में मिले थे, क्योंकि हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है, इसलिए हम जिलाधिकारी से मिले थे। उन्होंने हमारी समस्या को अपने संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो सकलाना में हमारा जो क्षेत्र कालावन देखना है उस सब्जी में सबसे आगे है, और जो हमें कद्दू खाल घूम के आना पड़ता है, सत्यों से घूम के आना पड़ता है, तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कालावन देखना का निवासी हूँ। अच्छा राणा जी, आज जिलाधिकारी से मिले, किस संबंध में मिले हैं? तो महोदय हम वहाँ पे मिले, जिलाधिकारी महोदय से मिले, तो हमने वहाँ पे अपनी रोड की मांग रखी है जो विगत 20 सालों से अभी ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा जो 4 किलोमीटर का रोड का जो मामला है वो सॉल्व हो जाए और वहाँ पे जो हमारी सब्जी का जो उत्पादन है, सब्जी है, हमारे जो भी युवा हैं वो अपने घर में रह के सब्जी का उत्पादन करें। टिहरी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा की अध्यक्षता में कांग्रेस के नेताओं ने जिलाधिकारी टिहरी से मुलाकात की और कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। मुलाकात में COVID-19 बीमारी की वजह से बेरोजगार हुए नौजवानों को रोजगार देने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मांग की गई कि राज्य सरकार बिना ब्याज के उन तमाम बेरोजगार नौजवानों को ऋण मुहैया करवाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने गाँव में रहकर व्यवसाय करना चाहते हैं। आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात का विषय था कि COVID-19 कोरोना वायरस बीमारी की वजह से जो प्रवासी भाई लोग हैं, जो लगभग टिहरी जनपद के 62,000 लोग जो विभिन्न प्रदेशों में रोजगार करते थे, कोई होटल व्यवसाय में करते, कोई फैक्ट्रीज में करते थे, कोई बड़े कल कारखाने पुर्जे कारखाने में करते थे, और तमाम सारे जो असंगठित क्षेत्रों के लोग हैं, उसके साथ साथ जो होटल व्यवसायी हैं, उसके साथ साथ जो उत्तराखंड का जो सारा पर्यटन व्यवसायी है, वो सब चौपट जो हुआ, और ये जो हमारा जो ट्रेवलिंग जो हमारे जो ट्रेवल्स के एजेंसियाँ जो लोग हैं
जो ये परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब के बारे में हमने जिलाधिकारी माध्यम से जिलाधिकारी से आज वार्ता की और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार से निवेदन किया। टिहरी के जौनपुर विकासखंड में 25 साल पहले एक सड़क बनाई गई थी, लेकिन 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत बद से बदतर है। जगह जगह पर आने वाला मलबा और सड़क पर बने गड्ढे सड़क की दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। ये सड़क परोड़ी गांव को जाने वाली सड़क है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्राम प्रधान के मुताबिक पूर्व सीएम हरीश रावत ने सड़क के डामरीकरण की घोषणा की थी, लेकिन आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया। मेरा नाम विनीत लिखवार है और मैं अभी प्रेजेंट में परोड़ी से ग्राम प्रधान हूं और मैं एक सोशल मीडिया के जरिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे गांव की रोड है परोड़ी ग्राम सभा की, जिस रोड को 30 से 40 साल इसको हो चुके हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री जी थे हमारे हरीश रावत जी, जिन्होंने एक घोषणा करी थी यहां पे कि ये रोड डामरीकरण और पक्कीकरण का उन्होंने घोषणा करी थी, जो कि जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई प्रशासन शासन के। और ये रोड जो आती है हमारे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आती है, तो मेरा निवेदन है सरकार से कि प्रशासन शासन से कि इस रोड में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। पौड़ी जिले में डबल सिंह और मुकेश चंद्र लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान वो लोगों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। डबल सिंह और मुकेश चंद्र सतपुली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से वो लोगों को जोड़कर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। डबल सिंह ने बताया कि अभी तक मशरूम प्रशिक्षण के लिए कई लोगों के फोन आ चुके हैं। मशरूम प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में मुकेश चंद ही हैं, जो कि लगातार लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम यहाँ पे गांव-गांव जाकर जो हमारे मित्र भाई बंधु भाई बहन जो भी मशरूम का काम शुरू करना चाह रहे हैं उनको हम घर घर जाके अपने उनके घर में जाके मशरूम का काम शुरू कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है पौड़ी गढ़वाल सीएससी वीएलई स्वास्थ्य सहकारी संघ, हम लोग विगत एक वर्ष से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के निःशुल्क जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी है, भीमल और श्योलू जिसको हम कहते हैं, आपका भांग के रेशो हो गया, राम बांस के रेशो हो गया, इनका सामान बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमारी सोसाइटी जो है गांव-गांव जाकर के लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। श्रीनगर गढ़वाल कोतवाली में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी समाज के लोग मौजूद रहे। आने वाले समय में ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व और 15 अगस्त को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों से कोरोना बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य सावधानी बरतने की अपील की। आज ये पीस कमेटी की बैठक ली गई थी, तो इसमें हमारे हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम भाई और सिख भाई आए थे, मौजूद लोग हैं सिटी श्रीनगर के। तो क्योंकि आने वाले एक तारीख को अगस्त को ईद का त्यौहार पड़ रहा है और फिर आगे 3 तारीख को रक्षाबंधन है, फिर 12 तारीख का कृष्ण जन्माष्टमी है, 15 तारीख को फिर आपका 15 अगस्त आ रहा है। रुद्रप्रयाग में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का अजब कारनामा सामने आया है। बिना मास्क के घूम रहे विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों का जब पुलिस ने चालान काट दिया तो दोनों कर्मचारियों ने गुस्से में पुलिस की कोतवाली और जिला जज के आवास की बिजली काट दी। पुलिस का कहना है कि मास्क न होने के चलते चालान काटते समय भी दोनों कर्मचारियों ने पुलिस के साथ मौके पर अभद्रता की थी। मामले में एसपी रुद्रप्रयाग ने बिजली विभाग के एमडी से शिकायत की, तब जाकर कोतवाली की बिजली दोबारा जोड़ी गई, जिसके बाद यहां दोनों कर्मचारियों को विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी दोनों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये महामारी अधिनियम के तहत जो आजकल चालान किए जा रहे हैं मास्क ना पहनने पर, तो कल शाम को ये कोतवाली रुद्रप्रयाग के पुलिस टीम जो है ये चालानिंग की कार्रवाई कर रही थी, जो बिना मास्क के लोग थे, तो उसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, तो उसमें उनका चालान किया गया महामारी अधिनियम में। उसमें उन्होंने आपत्ति करी, वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से फिर उनका चालान कर दिया गया। बाद में वो आए और वो बिजली विभाग के थे और उन्होंने थाने की लाइट जो है उसको डिसकनेक्ट कर दिया। बाद में मेरे संज्ञान में मामला आया तो इनके उच्च अधिकारियों से बात करी यहाँ पे और देहरादून भी, तो और चूंकि ये जो मौके पे थोड़ा इनका व्यवहार ठीक नहीं था और जिस तरीके से धक्का मुक्की या गाली गलौज वाली बात जो आ रही है, अभी उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने उसमें केस भी रजिस्टर कर दिया है और आधे घंटे में लाइट फिर हमारी थाने की जोड़ दी गई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।